वेलकम टू टाइगर कोचिंग सेंटर। मैं नितिन चौधरी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। भाइयों, जो मैं आपको रीजन में आज एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, और आप बताना मतलब मुझसे अच्छा मतलब कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या नहीं, ठीक है। और जो सीरीज की एक नवी श्रृंखला है, जो उसमें सारे जितने भी 6-7 साल में जितने भी यूपी के एग्जाम हुए, उनमें जो श्रृंखला के प्रश्न आए हुए वे सारे हल होंगे। भी एक वीडियो आवेगी उसमें भी, तो काउंटिंग ऑफ फिगर के सवाल है भैया ये, तो आप इस पर अब ध्यान दियो थोड़ा। नहीं, धरना धरना। अब हम इसमें जो है आदरत्योची भैया धरना धरेंगे या काउंटिंग ऑफ फिगर। देखिए, हम इसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, रेखाएं व वर्त, इन की जो है गणना करेंगे। इन सभी की क्या होगी भैया, क्या होगी, इन सभी की गणना होगी, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम चलेंगे वर्ग लेंगे और आयत लेंगे, यानी कि हमें ये दो पोर्शन पहले लेने हैं। ये वाले दो पोर्शन भैया मैं पहले इन दो सो हल करेंगे हम, ठीक है। मिटो दो भैया, अब देखिए आप इस पे मतलब मैं बोल रहा भैया, यो चाहे इस वर्ग है, ठीक है, यो चाहे वर्ग है। अब यदि मैं इससे 4 टुकड़े कर दूं बिल्कुल बराबर, अब इसमें कितने वर्ग है, वर्ग कितना है, अब भी एक ही है, ये तो एक त्रिभुज बनी है, क्योंकि मान लिया या पूजा 5 है, तो या अभी तो 5 है, तो या कितनी बची, ढाई ढाई नहीं बची, तो ये वर्ग हाँ तो आया तो या। ये क्या हो गया, अब ये वर्ग हो गए, क्योंकि इसकी या पूजा भी ढाई हो जी, या भी ढाई हो जी, या भी ढाई हो जी, या भी ढाई हो जी, तो इसमें मान लो वर्ग कितने हुए। देखिए, एक वर्ग तो योरा, दूसरा योरा, तीसरा योरा और चौथा योरा, यानी क्या हमें पता इसमें 4 वर्ग तो हमें स्पेशल उन्हीं दी थी, ये जो सबसे बड़ा, तो यानी 4 प्लस 1 तो टोटल कितने वर्ग हुए भैया इसमें, 5। भाई भैया बात है, इसमें टोटल वर्ग कितने हुए, मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ वर्ग कितने भैया इस सवाल में, 5। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसी सवाल में कि आयत कितने हैं, इसी सवाल में कि आयत कितने हैं, देखिए इससे पहले मैं तुम्हें बात बता दूँ, जो प्रत्येक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखियो। मतलब प्रत्येक वर्ग जो तो हो जाता लेकिन जो नहीं होने का, भाई भैया प्रत्येक वर्ग आयत होता है
और प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता इस चीज पे। तो हमने हमने देखा पहले इसमें वर्ग कितनी है भैया, पांच। आयत कितने, देखिए जी हमें पता प्रत्येक वर्ग आयत हो, यानी पांच तो है ही है इसमें, वह पांच आयत तो है ही है क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है आयत हो। फिर इसमें एज आयत होर जुन वाला जैसे है, जैसे मैंने बताई थी एज आयत, ये हो गया ना हो गया एज आयत हो रहा, दूसरा आयत ही हो रहा, दो आयत हो ये, फिर यहां लेके तीसरा आयत ही हो रहा, फिर चौथा इससे नीचे ही हो रहा, चौथा आयत ही हो रहा, यानी आयत कितनी हो जी, पांच प्लस चार कितनी हो जी, नौ। या मैं यहां सुल आयत भी पूछ लू, या मैं सुल आयत पूछू या आयत पूछू, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं यहां पे थर से मैं पूछूंगा केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत कितनी, हमें पता टोटल आयत कितनी है भैया नो जी, उसमें वर्ग भी है और आयत भी है, कितने हैं, नौ। टोटल संख्या कितनी, नौ। इसमें तो जितने वर्ग है पांच पांच, तो भैया इसमें तो ये हटा दो, कितने कितने बचे, चार। तो चार क्या हो जी, इसमें केवल आयत कितनी है भैया, चार। वर्ग कितने भैया, पांच। आयत कितने, चार। केवल आयत कितनी है भैया, ओ आयत कितने, नौ। और केवल आयत कितनी है भैया, चार। आई भैया बात है, इसमें स्क्रीन शॉट मारते हो, स्क्रीन शॉट मार लो, फिर इससे अगला सवाल चलेगा। देखिए अब देखना भैया, अब मैं इससे अगला सवाल दे रहा, ये अभी एक सवाल है, मैं इसमें थर्ड से वर्ग पूछ रहा कि वर्ग कितने, आयत कितने, या सुल आयत भी बोल सकूं मैं, सुल आयत कितने और केवल आयत कितने, केवल आयत कितने भैया। देख यहां ध्यान दियो, पहले भी जो अगरती थी भी भैया तो छोटी थी, तो हमने उसमें मतलब वैसे भी गिनचा बता दी थी, अभी अगरती है तो बड़ी आ गई, तो हम इसमें गिनने में असमर्थ से रहेंगे। लेकिन हम इस तो ये ऐसी ट्रिक है, मान लिया हम इसे वैसे गिने, एक सौ गिने, तो इसमें मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ट्रिक है वर्ग की थी। हमें इसमें जो है एक बार क्षैतिज और एक बार ओरिएंटल, यानी एक बार लंबा और एक बार क्षैतिज, इसमें इनकी गिनती लिख दो, जैसा एक दो तीन, इनके तीन छन्नी नु है, ठीक। अरे इस बार मतलब क्षैतिज, अरे इस बार लंबत, क्षैतिज इतने इतने भी लंबत, दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो हमने इन जितने भी क्षैतिज का जोड़ है, तीन दो पाँच अरे छः, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया भैया, छः। और जितना लंबत सा जोड़ है, छह लंबत सा जोड़ है, तो हमें इन दोनों संख्या की आपस में गुणा करनी, इसी और इसी, ठीक है, इसी और इसी। तो हमारे धोरे हमेशा सोलह आयत आवेंगे, छह छन 36, तो सोलह आयत कितने, 36। जैसा वो ये जो इससे पहला हमारे धोरे सवाल था,
अब उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जो पहले यो एक सवाल तमाय धोर है। इसमें जैसा हमने पूछी थी आयत या वर्ग कितने, हमने तो इसमें एस और दो, एस और दो, तो हमने इस बार ये क्षैतिज जोड़े कितने हो जी, दो अरे तीन, फिर हमें एक बार लंबा जोड़े दो अरे तीन, तो जी हम ची आपस आपस में गुणा करेंगे तो तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तो कितने आ जाए भैया ये नौ। तो यहाँ पे मतलब सुल आया कितनी थी उसमें पहले वाले सवाल में नौ। अब यदि हम उसमें नौ पूछते वर्ग कितने, तो हमें पता चल रहा ना था यानी जो भी ये संख्या है यदि ये बराबर है क्षैतिज भी लंबत भी, तो हमें इसका वर्ग जैसा एक सा वर्ग मान लिया मैं, ये तो हो जाए हमारे धुरे केवल आयत, ये तो है सुल आयत ये, ठीक है भैया। और यदि मैं थार से अब जो है केवल वर्ग पूछूं, तो हमने इनसे पहले इस वर्ग जोड़ दो ए, फिर दो सा वर्ग जोड़ दो कितना चार, कितना आ जाए टोटल पांच, तो इसमें सवाल में कितने वर्ग देते पांच। यदि मैं थार से नो पूछूं केवल आया कितने, तो इस नो में ते पांच घटा दो कितना बचा चार, तो चार कितनी हो जाए आयत हो जाए केवल, इनसे केवल आया कितने थे चार थे उस सवाल में। अब बताओ इस सवाल में हाथ तो किसी भी बच्चे ने वही समस्या, ठीक सेम प्रक्रिया में इसमें करेंगे सुल आयत, मतलब जैसे हमने तीन और तीन जोड़े थे वहां कितने आयत आए थे हमारे दौरे सुल आयत नौ, तो यहाँ सुल आयत कितने आए हमारे दौरे 36। आई भैया बात है इसमें, यदि मैं वर्ग पूछूं यहाँ पे वर्ग कितने हमारे दौरे, तो हमने एक सौ वर्ग जरा एक, 200 वर्ग कितना भैया चार, 300 वर्ग कितना भैया नौ, तो इनसे जोड़ कितना हो जाए नौ और एक दस और चार 14, तुम्हारे धुरे वर्ग कितने इस वाली धरती में 14। यदि मैं थार तक केवल आयत पूछू केवल आयत कितने, तो मैं 36 में तक 14 हटम्मा, तो कितने बचे 22, तो केवल आयत कितनी है भैया इसमें 22। ये सवाल मतलब 2017 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर था उसमें बहुत आए थे ये, हर एक शिफ्ट में मतलब इसी टॉपिक पे आए थे, कहीं कहीं सवाल आए इसमें। तो ये बताओ अब इसमें किसी भी बच्चे ने मतलब कोई समस्या हो तो बताओ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले लो, ले ले लो पहले। भैया ये सुल आयत है, ये वर्ग है, ये केवल आयत है, मिटो दू अब यही, जैसे यही सवाल था हमने इसमें एक हन्ना और बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने पूछ रहा अब ये एक आदर्ती है, यदि मैं ये इसमें से ये मिटो दूँ कि आदर्ती ये नहीं आ चाहिए ये आ जाती, और मैं धार दिन पूछता इसमें वर्ग कितने हैं सुल आयत कितने हैं केवल आयत कितने हैं, तो इनकी संख्या बताओ, तो हमें क्या करना था, हमें इसमें सब में पहले नंबर लिखने जैसा एक दो तीन चार, एक पर क्षैतिज लिखे एक पर लंबत, इनसे दो एक तो यो हो जाए दो यो तीन चार, तो हमें पता है 10 यहाँ बैठे 10 यहाँ बैठे, तो ये हमें इनके लंबत और क्षैतिज संख्याओं का जो जोड़ हुआ हमें उनके आपस में मल्टीप्लाई करके हमें सुल आयत मिलेंगे, जैसा 10 × 10 कितने आ जाए 100, तो इस आदर्ति में कितने आयत है न्यू आदर्ति में 100 आयत है। यदि मैं इसमें केवल नु पूछू केवल वर्ग कितने हैं इसमें, इस आदर्ति में वर्ग कितने, तो हमने एक सा वर्ग जरा एक, 200 वर्ग चार, 300 वर्ग नौ, 400 वर्ग 16, तो हमें पता था यो हमारे धोरे 14 तो हो ही गया और 16 ही होता, तो जितने हो जाइए 30, तो
यहाँ वर्ग कितने आ गए भैया 30। हमें पता तुल आयत यहाँ 100 है, इस लेकिन इस अदरती में जो वर्ग है वे 30 है, तो केवल आयत आयत कितने होंगे, तो इन दोनों का अंतर 30 - 100 70, यानी 70 इसमें क्या चीज है, केवल आयत है। 70 क्या है भैया, इसमें केवल आयत है भाई, थार पे वैसे भी नहीं होती हो ना, देखिए अध्य वैसे भी गुणा में उस समस्या से मान जा, जो जैसे यो है यो 10 है, यहाँ पे 10 यो तो हमें पता, इन इस बार ऐसा जोड़ ले संधों में, इस बार ऐसा संख्या लिख दे, इस बार ऐसा लिख दे, इस संख्या का जोड़ क्षैतिज का जोड़ लंबत का जोड़ आपस में गुणा दर दो, तो सुल आयत मिल जाएंगे हमें, ठीक है। और यदि हमें वर्ग काटना तो इसी लास्ट संख्या, इसी लास्ट संख्या की गुणा दर दो, जितना या 16, इसी प्रत्येक संख्या जिन जिन चीज गुणा दर दी उन्हें छोड़ के फिर गुणा दर दो, 3 * 9, फिर इसी गुणा दर दो, 2 * 4, फिर यो बचा 1, यो 1 जो है हमने, क्योंकि यो 1 नू भी है, यो 1 उभयनिष्ठ है, तो हमने यो नहीं तो लिख दिया, यो लंबत में भी क्षैतिज में भी, तो 1 नहीं, तो क्या हो गया भैया, यो इन जो सारों का जोड़ कितना हो गया 30 आ गया, उत्सव ये सब केवल आयत कितनी टोटल इस धरती में 70 आयत है, तो केवल आयत 70 है, वर्ग कितने 30 है। आई भैया बात है, इसमें हटो दू अब इस पैटर्न का एक सवाल और, ठीक है। ये मैं यह अदरती पूछ रहा है, इसमें मैंने थर्त है केवल, मतलब सवाल में तो वहाँ थर्त है, जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है ना सवाल, उसमें वो थर्त है, ओनली एक पद पूछा था कि केवल आयत यानी कि इन तीनों में तो ओनली एक सवाल पूछा था, ऐसा नहीं हो थर्त है हर एक सवाल पूछा था, उसमें केवल आयत भी पूछा था, आयत भी पूछा था, वर्ज भी पूछा था, मैं तो मतलब यू है मतलब एक ही सवाल में सारा पूरा खोल के बता दूँ कि उसमें मतलब कुछ ही पूछ लो। इसमें मान लिया वो थर्ड इस सवाल में वर्ग पूछा था कि वर्ग कितने, तो हमें फिर वहाँ मतलब इन सारों का वो नहीं करना, तो हमने इसमें वही काउंट, एक बार लंबा एक बार क्षैतिज, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, तो यहाँ भी 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, पता चला भैया, तो हमने चार दाम जरा 49 - 47 गुणा, फिर यहाँ पे इसी 36, 5 * 5 = 4 - 4 = 16, 3 * 3 = 9, 2 * 2 = 4, ए। तो यदि मैं केवल वर्ग की बात करूँ तो जितने बजे भैया हमें पता है, यहाँ से जितने बजे 30, यहाँ से जितने बजे 55, ठीक है, और 85, 55 और 85 कितने हो जाए भैया 8 * 6 = 14, एनचे 140, एनचे जो इस सवाल में जो वर्ग है मतलब इन सारों का जब आप जोड़ दोगे, इन सारी संख्याओं ने जोड़ोगे तो कितना ज्यादा 144, एनचे इन सब का जोड़ कितना जाए भैया 140।
तो वर्ग कितने आए इसमें, ई में ऐसे भी तो लिख सकूं, इसमें वर्ग कितने भैया 140। पता चला वर्ग कितने भैया 140। यदि मैं इसी सवाल में इब थार तेन पूछ लूं भैया आयत कितने इसमें, केवल आयत नहीं बस हल्ली आयत, आयत कितने, तो मैं पता यहाँ इंचा जोड़ कितना बैठा 28 है जी। एक और दो तीन, तीन और दो वो तीन, तीन और तीन छः और चार दस और पाँच पंद्रह और छः इक्कीस, इक्कीस और सात 28, तो 28 यहाँ ठीक है। जब हम 28 गुना 28 से गुना करेंगे तो एन जी 28 सवर जी तो पूछ रहे हो, 28 सवर क्या हो, आठ सौ ये तो उनतीस था, 800 इस बार पता चल गया यो। तो इसमें ये कितने भैया 784। देखिए अब हम मान लीजिए है अद्य हम यहाँ पे हम वर्ग योग जो एक सात सात एक से सात संख्या जो धर्मात वर्ग योग सभी सूत्र लगा सकते हैं हम यहाँ पे शुद्ध जोड़ दिया जा, लेकिन इतना लंबा हाँ है तो जोर मार जा पाँच छः सात पे जोर हो जा, वह लो ही जोड़ते जैसे हमें पता पाँच लो कितना बैठा है 55 बैठा था। अब मैं जो उससे एक दो अक्षर जोड़ जाड़ दो तो उसमें आयत कितने हैं इसमें, और यदि मैं केवल आयत की बात करूं केवल आयत तो हमें इन दोनों अंतरी तो यहां लिखना केवल आयत में कितना है यहाँ पे चार चार छह 640 है इसमें केवल आयत है जो 2000 दिल्ली पुलिस से उसमें आया था यही सवाल सेम टू सेम, उसमें जो है मतलब इससे उसमें जो है शायद छेलो था उसमें, और उसमें वो पूछा गया था केवल आयत कितनी, केवल आयत कितनी 2017 वाले में, तो पता चला भैया। अब इसी में मतलब अगला टाइप देखिए, अब हिलो मैंने तुम्हें जितने भी सवाल समझाए इबलो उसमें वर्टिकल और क्षैतिज ओरिएंटल मतलब दोनों बराबर थे, इबचे जो है वर्टिकल और होरिजेंटल जो है दोनों बराबर नहीं रहने चाहिए, पहले में ये दोनों बराबर थे इबचे जो है बराबर नहीं रहने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दियो, स्क्रीन शॉट लेते हो भैया स्क्रीन शॉट ले लो, तो भैया अब देख यहाँ पे ध्यान दियो, यहाँ पे अब मैं थर से मतलब इसी सवाल में मतलब पहले तो प्रेजेंटल होरिजेंटल बराबर थे, अब क्या बराबर नहीं रहने चाहिए, अब ये सवाल है चीज में मतलब वर्ग कितने हैं आयत कितने और केवल आयत कितने, केवल आयत कितने, तो मैं इसमें चाह रहा ना एज
3 4 1 2 3 4 फिर 2 3 अरे भैया बात है इसमें इस टाइप थे। तुमने ऐसे जोड़ लिए जितने बैठे यहाँ पे 10, यहाँ पे जितने बैठे 6। यदि मैं इन दोनों चीज आपस में गुणा करूँ, जो भी सवाल सेम टू सेम दिल्ली पुलिस में आता ही हुई, तो उन्होंने पूछी जी चे वाला आयत कितने, चे वाला आयत कितने भैया, वो चे वाला आयत नहीं सुल आयत या आयत कितने, बात एक ही है। तो आयत कितने भैया इसमें 60। ये ऐसे 10 बैठे, ऐसे 6 बैठे, इनसे जोड़ 6 है, उनसे जोड़ 10 है, तो आयत कितने भैया इसमें 60। ठीक है, अब इसमें हमने वो उनने पूछा कि वर्ग कितने इस सवाल में, तो वर्ग में हमने चेक किया था इससे लास्ट संख्या की दूना, इससे लास्ट संख्या की दूना कितना, या 312। फिर जिन जिन की गुणा हो जी उन्हें छोड़ के उसकी जो लास्ट उससे अगली जो लास्ट लास्ट संख्या है उनकी गुणा, 3 दुनी 6, पता चला भैया। अब बचा हमारे दो रहे क्या, यो 2, और यहाँ उड़े छे इसका एज, तो अब हमें चेयर करना 2 दुना एज, तो कितना या 2। आई भैया बात है इसने, तो ये कितनी हो जी 20 हो, ये 20 हो जी। तो आयत इस वर्ग कितने इसमें भैया 20, तो मैं केवल आयत पूछू तो कितना भैया 40, केवल आयत कितनी भैया इसमें 40। यहाँ लो ये समस्या कुछ नहीं, ठीक है इसे धरते तो वहां धरते। तो केवल आया कितने भैया इसमें, मैं डिब्बा लाया ही ना, तो यो पता चला भैया, तो चे वाला आयत कितनी है भैया 40, आयत 60, और वर्ग कितने भैया 20। या इन मैं देता, मैं छोटी सी बात में थारा निस्सर शुरू, मान लिया जब भी हमें मतलब वर्ग साड़ने हो वर्ग निकालने, तो हमें चेयर करना मतलब जो भी क्षैतिज हो या ओरिएंटल हो उनमें तो एक चेत समझना -1 -1, और जो भी हरे संख्या में -1 -1 संख्या है जिब लो, तो इसी भी संख्या एक लो ना आ जा जिब लो, हमें गुणा ही करता जाना। ठीक है, जैसा मान लिया यहाँ 8 भी होता, जैसा मान लिया यहाँ पे दे 1 4 था 1 3 था, तो एक बार हमने -1 सरा, पहले तो हमने इन दोनों चीज गुणा करी कितना 12, फिर -1 सरा कितना बचा 3, इसमें तो -1 सरा कितना बचा 2, कितना आ गया यहाँ 6, फिर इसमें तो -1 सरा कितना बचा था 2, इसमें तो -1 चले कितना बचा था 1, तो कितना 2 एकम 2। एंचे जिबलो चीसी भी उड साइड एक ना जा, चीसी भी साइड एक ना जा, जिबलो हमें इनके आपस में गुणा करते जाना, यह शुद्धि ही इनके लास्ट पर दो चीज आपस में गुणा करते हो, जो बचे फिर उनकी आपस में गुणा कर दो, बात छुट्टी। जो बचे जी हाँ, इससे तो सारे सीरीज खत्म ही हो गई, इससे दोहरे तो बस वो ये वो भैनिष्ठ बच रहा था, वह उनने इसका 2 खत्म कर दिया बस, या इनमें तो इतना समझ सकते जाओ ऐसा इनकी गुणा कर दो। स्क्रीन शॉट लेते हो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो, मिटो दू
ये हमने देख, इसमें मैं पूछ रहा था अर्थवर्ज भी पूछ रहा, आयत भी पूछ रहा और केवल आयत भी पूछ रहा। तो हमें क्या नाम लेना, सबसे पहले इसमें नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5। ठीक है, यदि मैं इसमें इब वर्ग वर्ग पूछूं कि वर्ग वर्ग कितने, तो मैं पांचन 30, पांचो 300, दोतिया ठीक, दोतिया 6 ही बचे चाहिए, जो पता चल गया भैया भाई, वो हमारा यहाँ लो 20 हो जाता है, 20 और 20 40 और 30 70। तो यहाँ वर्ग कितने हैं भैया, 70, पता चला। तो यहाँ वर्ग कितने हैं भैया हमारे धुर है, 70 है। यदि मैं थारते आयत पूछूं, हमें पता है 5 लो जितना बैठ रहा 15, यो जितना बैठ रहा 21, 21 सी में 15 में गुणा करनी है मुझे, 21 सी 15 में गुणा करनी है भैया। एंचे 315, तो आया कितनी है भैया, 315। और सुल आया कितने, इसमें तो 70 हटा दो, कितने बचेंगे, 245। कितने भैया, 245। कितने बचेंगे भैया, 245। चीन हुई समस्या तो नहीं। अब यदि मैं इसी लाइन में देखिए, जो स्क्रीन शॉट लेते हो स्क्रीन शॉट ले लो, यदि इसी लाइन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दू, ये वाली लाइन मिटा दू, मैं पूछू इब इसमें इसमें बताओ वर्ग जितने, ठीक है, तो वर्ग कितने हमें इससे लास्ट संख्या की दूना, इससे लास्ट संख्या की दूना, तो 6 चो, क्योंकि हम वर्ग साढ़े, तो यहाँ वर्ग लिख लियो बाजी बड़े आदमी भूल जा, तो 6 चो 24, फिर इसी जून जून से चीज दूना हो जी, मतलब बड़ी तो छोटी जुड़ने चलना, फिर इसी समय बड़ी तो छोटी, उसी समय बड़ी तो छोटी, कितनी पांतिया पांतिया 15, फिर इसमें यहाँ 2 बचा, इसमें यहाँ 4 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये हमें पता दे, यहाँ से इससे बाद में जो इससे धोरे है, इस वाली लाइन से धोरे 1 बचा, उस वाली लाइन से धोरे कितना बचा भैया, 3 बच रहा, कितना बच रहा, 3 बच रहा। तो जिस जिबलो भी चोसी उड साइड 1 ना आ जाए, जिबलो हमें गुणा करनी, तो ये बच्चे तो 1 आई जाता, तो इससे कितना 3, क्योंकि यो एक तो यो घनिष्ठ है, इससे दोहरे भी उससे दोहरे भी, तो 3 एकदम 3। ये मान लिया मैं इससे नीचे, तो फिर 0 आवे, 0 चीज भी संख्या में गुणा कर ले, वो सब 0 डाल जाता, तो इसलिए हम एक तो नीचे हम इसलिए नहीं करते, पता चल गया भैया। जो तो ये भी उन्होंने चेंजेस सर, जो 2 बच जाए भाई, इसका कोई काम नहीं, ये बेचारा बच जाए, क्योंकि इस है मान लिया इससे आज जय मान लिया, इस तरफ हम पद ले तो इसका 2, और उसका 1 सम ले तो उसका 0, जब 2 गुना 0 करो तो 0 ही आ गया, तो इसलिए हम इन्हें छोड़ दे, जहाँ तक जोड़े बने बस मान लो ही गुना करनी, और तो इसे उठ भी यदि इतना बन ना जाओ, बस इतने ही गुना करनी है ना, फिर छोड़ दो बस, और उन्हें जोड़ दो, वे ही वर्ग छोड़ दो प्लस जोड़ दो, और वे ही वर्ग नियम है। अब देखिए भैया यहाँ पे ये हम जोड़ लो भैया, ये कितने सारे, 8 और 3 11, 11 और 24 35, 35 15 50। ठीक है भैया, 8 3 11, 11 24 35, 35 15 50, 50 से 2 50 से 2 हैं
50 कह दो, हाफ 100 कह दो, सब एक ही है। तो जो जितना आया भैया 50, इसमें वर्क कितनी? यदि मैं थर्ड आयत भी पूछूं, आयत कितनी है भैया इसमें? जो जितना बैठा था मैं दोहरा है 21, जो जितना बैठा था भैया 10, जी मैं 21 सी और 10 में गुणा करूंगा, कितना ज़्यादा 210 आई भैया बात है इसमें। और मैं केवल आयत पूछूं, तो इसमें तो मैं उधर टम्मा कितने बचे 160, 210 में तो जी 50 जाएंगे बचेंगे कितने भैया 160, कितने भैया 160। यहाँ से बताओ किसी भी बच्चे ने कोई समस्या हो, डाउट हो, तो उसका समाधान चला जाएगा। बाजी पर वो आयत ने चतुर्भुज भी बोल, वो आयत ने चेरा वर्ण ने वो बाजी पर चतुर्भुज भी बोल दे कि चतुर्भुज बताओ, इसका मतलब वो वर्ण ये पूछ रहा चतुर्भुज भी चारों भुजाए बराबर ही हो। ठीक है भाई, वो वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, भैया सब्सक्राइब करो।